हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अभी हम होम पेज पे हैं, ठीक है। चलिए हम इसकी सूचना पट पे चलते हैं। ये देखिए सूचना पट आ गया, ठीक है। ये दिनांक आपको दिख रहा होगा 1/11/2023 और विज्ञापन देखिए 2/23। यहाँ देखिए नोटिस रिगार्डिंग डेट एक्सटेंशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म, इस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए ये, हाँ, ये दिनांक 1/11/2023 का है। आवश्यक सूचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से, देखिए क्या है कि विज्ञापन संख्या 2/23 यानी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए दिनांक 27/9/2023 से 11/11/2023 तक निर्धारित किया गया था। इसी प्रकार ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9/11/2023 था, यानी आप ऑनलाइन पेमेंट अंतिम डेट से 2 दिन पहले तक कर सकते थे और फॉर्म को आप सबमिट 11 तारीख तक कर सकते थे, 11 नवंबर तक। लेकिन देखिए यह है कि अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9/11/2023 के स्थान पर 9/12/2023 यानी 9 दिसंबर 2023 कर दिया गया, यानी 1 महीना के लिए बढ़ा दिया गया है। ये शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है और आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 11/11/2023 के स्थान पर 11/12/2023 निर्धारित की जाती है। मतलब 1 महीना के लिए दोनों चीज बढ़ा दिया गया है, 1 महीना आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें, इसके बाद समय विस्तार नहीं किया जाएगा। यानी 1 महीना बढ़ा दिया गया, सीधा नवंबर से दिसंबर कर दिया गया, डेट सेम है। तो आप 1 महीना, उसके बाद लिखा गया है कि इसके बाद समय विस्तार नहीं किया जाएगा, यानी ये अंतिम डेट है, इस बार दोबारा विस्तार नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को फॉर्म भरना है तो भर ले। और अभ्यर्थी अद्यतन सूचना है तो आयोग की वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप जाकर देख सकते हैं। और एक बात और कि जिन लोगों ने पेमेंट किया है और अगर पेमेंट फंस गया है तो कोई बात नहीं, वो पेमेंट आपका 1 सप्ताह के अंदर यानी 7 वर्किंग डेज में आपको वापस आ जाएगा। आप फिर से फॉर्म को फिलअप कर ले और फॉर्म को सबमिट कर ले, ठीक है। और अभी टाइम है 1 महीने का। अगर जो लोग चाहते हैं कि कंप्यूटर वाले पोस्ट पे, टाइपिंग वाले पोस्ट पर भी हम फॉर्म भरें, तो आप उसका सर्टिफिकेट आप चाहे तो इसमें भी बनवा सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।